जंगल। नमस्कार, मैं श्वेता सिन्हा आपका क्रेजी न्यूज के स्पेशल फोकस में स्वागत करती हूँ। अफगानिस्तान तालिबान से नहीं बल्कि अपने नेताओं के भ्रष्टाचार से हारा है। जब अफगानिस्तान के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब वहां के 72 साल के राष्ट्रपति अशरफ घनी एक प्राइवेट विमान से देश छोड़कर निकल गए। रूस के मीडिया का दावा है कि अशरफ घनी राष्ट्रपति भवन से हेलीकॉप्टर से कबूल एयरपोर्ट पहुंचे। इस हेलीकॉप्टर में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ था। इसके अलावा कैश से भरी 4 गाड़ियां अशरफ घनी के साथ एयरपोर्ट पहुंची। अशरफ घनी इतना पैसा लेकर निकले थे कि हेलीकॉप्टर और गाड़ी दोनों में ही जगह नहीं बची थी। उन्होंने एक पैसों से भरा बैग एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। अशरफ घनी ने कम अय्यर के एक विमान से उड़ान भरी। यह अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है। कहा जाता है कि इसका एक विमान हमेशा अशरफ घनी की सेवा में रहता था, यानी वो जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस विमान से अशरफ घनी ने पहले ताजिकिस्तान के लिए उड़ान भरी, लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि ताजिकिस्तान ने उनकी विमान को लैंड करने की इजाजत नहीं दी और फिर उनका विमान ओमान के लिए मुड़ गया। अभी अशरफ घनी के ओमान में ही होने का दावा किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वहां से अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन जानकारी मिली है कि वो शायद ही ऐसा करेंगे। उनके पास इस समय अच्छा खासा पैसा है और हो सकता है कि वो इसमें से कुछ पैसे ओमान में निवेश कर दें और आराम की जिंदगी बिताएं। ये पहली बार नहीं है कि जब अशरफ घनी के लालच ने उनके देश को नुकसान पहुंचाया है। उन पर और उनके परिवार पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। 2019 में उनकी सरकार ने एक ऐसी माइनिंग कंपनी को ठेका दिया था जिसमें अशरफ घनी के भाई की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा अमेरिका से मिलने वाली मदद का भी उनकी सरकार ने गलत इस्तेमाल किया और जिस पैसे से सेना को अपग्रेड किया जाना था उस पैसे से अशरफ घनी और उनके करीबी ऐश करते रहे। 2014 और 2019 में जब उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उस दौरान भी उन पर धांधली के आरोप लगे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा, तालिबान सिर्फ इसलिए जीता है क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ घनी ने तालिबान के सामने हार मान ली थी। वहीं अफगानिस्तान के सेना ने भी तालिबान के खिलाफ संघर्ष नहीं किया। करीब 20 साल पहले जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा था, तब उसका एक मकसद वहां लोकतंत्र का बहाली बताया गया था। हालांकि अफगानिस्तान ये बात कभी नहीं समझा कि अमेरिका के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल वो अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। वहीं अफगानिस्तान के नेता और देश की राजनीति सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी रही। अमेरिका ने 2001 से मार्च 2021 तक अफगानिस्तान के सेना पर 28 अरब डॉलर यानी 6,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अफगानिस्तान की सरकार जब तक अमेरिका से ये मदद लेती रही तब तक उसके सैनिकों को वेतन और दूसरी जरूरतें मिलने में परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ये मदद बंद कर दी तो वहाँ के सैनिकों को वेतन मिलना बंद हो गया और तालिबान से हारने का ये प्रमुख कारण है। कुछ साल पहले अमेरिका में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था, लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी अफगानिस्तान की सेना कमजोर क्यों है। इनमें पहली वजह भ्रष्टाचार बताया गया था। इसके मुताबिक अमेरिका जो पैसे और हथियार अफगानिस्तान को भेजता था वो मदद सैनिकों को मिलने के बजाय ब्लैक मार्केट में जाता रहता था। कई बार मदद तालिबान तक पहुंच जाती थी। इसके लिए अशरफ घनी को जिम्मेदार माना गया है क्योंकि उन्होंने इस भ्रष्टाचार पर अपनी ना सिर्फ आंखें बंद रखी बल्कि अमेरिका फंड्स पर खूब ऐश की। वहीं भूतिया सैनिकों यानी जो सेना सिर्फ कागजों पर है उनके भी वेतन देकर अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। कबूल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेताओं ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कही गई बातों से साफ होता है कि तालिबान अपने देश को इस्लामिक कानून के मुताबिक चलाएगा। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया अटकलें तेज हो गई कि अफगानिस्तान का नेतृत्व कौन करेगा। इस समय अफगानिस्तान की सत्ता के लिए तालिबान के तरफ से दो प्रमुख दावेदार हैं। कौन है अफगानिस्तान के सत्ता के प्रमुख दावेदार? अफगानिस्तान के सत्ता संभालने के दावेदार पहले नेता का नाम है मुल्ला अब्दुल्ला घनी बरादर, जो तालिबान का सबसे बड़ा पब्लिक फेस है। वह मुल्ला उमर का दामाद है जिसकी 2013 में मौत हो गई थी। मुल्ला उमर ही तालिबान की पहली सरकार का सबसे बड़ा नेता था। आज के स्पेशल फोकस में बस इतना ही, और जानकारी के लिए जुड़े रहें क्रेजी न्यूज के साथ। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल।